नमस्कार दोस्तों, कल हमने पहली वीडियो बनाई थी तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई 22 से आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जुलाई को। तो ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो हमारे देश में बाघ है उनकी घट रही प्रजाति को बचाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अपन प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू होता था? 1 अप्रैल 1973 को। ये आप नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होता। दूसरा क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये किस राज्य सरकार ने लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के बारे में एक और बात याद रखना कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? तो अमरावती। आईसीसी ने जुलाई 2022 में नए देशों को सदस्यता प्रदान की है। यानी कि आईसीसी ने किन नए देशों को सदस्यता प्रदान की है? तो ये उसमें एक है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, आइवरी कोस्ट। तो अब इन तीनों देशों की सदस्यता मिलाने के बाद आईसीसी ने कुल कितने देशों को सदस्यता प्रदान कर दी है? तो 108 देशों को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा दिया है? तो INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कौन सी सरकार ने शुरू किया? तो तमिलनाडु ने। देखिए, पहले जो था सभी स्कूलों में शहरों में ये चल रहा था मिड डे मील योजना, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? नाश्ता योजना भी शुरू की है। यानी कि जो सुबह का भोजन है वो भी तमिलनाडु सरकार देगी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलेकणी केंद्र लॉन्च किसने किया है? तो वो किसने किया? IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन, मेघालय के नए मुख्य सचिव, तो मेघालय के मुख्य नए सचिव कौन बने हैं? तो DP वहलांग बने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीतु कौन से राज्य ने शुरू की है? तो कौन से राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो ये देखिए, ओरेंग नेशनल पार्क को। और ओरेंग नेशनल पार्क के सचिव, तो मेघालय के मुख्य नए सचिव कौन बने हैं? तो DP वहलांग बने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीतु कौन से राज्य ने शुरू की है? तो कौन से राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो ये देखिए, ओरेंग नेशनल पार्क को। और ओरेंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है असम में। खेल विभाग द्वारा 29 अगस्त को खेड मेला यानी कि खेल मेला कौन से राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा पंजाब में। चलिए, आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में जानकर लेते हैं। जैसे मैक मोहन रेखा दो किन किन राज्यों किन किन देशों के बीच है? तो वह भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा वह भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है जैसे दो देशों के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 38 समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आगे अब मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 49 समांतर रेखा ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में। मैनर हीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। सो थैंक यू आज के लिए।